सिंस माई चाइल्डहुड मैं अपने ब्रदर जय झरोटिया को देखता था और मैं इंस्पायर होता था कि मैं भी कुछ करूँ इसमें। लेकिन शुरुआत में मेरा रुझान मेरा एडवोकेट बनने का था, और उसके बाद जब मैंने सिल्क स्क्रीन करना शुरू किया तो उसके जो सिल्क स्क्रीन के जो कलर्स हैं वो मुझे बड़े अट्रैक्टिव लगे। हेलो, गुड मॉर्निंग। आई एम जय झरोटिया स्टूडियो। My name is Georgina Maddox. I'm a critic and curator based in New Delhi, and I'm here to interview five artists who are a group that are basically well known to each other and well known to Jay Jarotia sir, and they have worked together for many years. And today we are going to be looking at the works of Moti Jarotia, who is related to Jay Jarotia ji. Yes. And he has studied at the Delhi School of Art, and he has specialized in serigraphy. So we are going to find the story behind his work and what it is about serigraphy that has jo matlab aapko kheench laya hai uski taraf. Pehle aap apne bare mein batayenge ji ki aapne painting kaise shuru kiya aur wo print making mein kaise badal gaya, to uska kahani aap hame bataiye. सिंस माई चाइल्डहुड मैं अपने ब्रदर जय झरोटिया को देखता था और मैं इंस्पायर होता था कि मैं भी कुछ करूँ इसमें। लेकिन शुरुआत में मेरा रुझान मेरा एडवोकेट बनने का था, जिसके लिए मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स ग्रेजुएशन किया। और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, कि मैं जो है इसके लिए नहीं आया, मेरी जर्नी कुछ और है। तो मैं फिर ब्रदर से बात की कि मुझे कॉलेज ऑफ आर्ट में एडमिशन लेना है, तो उन्होंने कहा कि हाँ ले सकते हो, लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैंने काफ़ी सालों तक मैंने काफ़ी उस पर ड्राइंग, स्केचेस, स्टिल लाइफ ये मैंने किया, करके दिखाया। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप एडमिशन ले सकते हैं उसमें कॉलेज ऑफ आर्ट में। और मेरा एडमिशन जो है कॉलेज ऑफ आर्ट में हो गया। ये कौन से साल था? ये 74। उसके बाद फिर वो रफ्तार जो है मैं सीखने की, हाँ, वो शुरू हो गई। तो आपका सिल्क स्क्रीन के साथ मुलाकात कैसे हुई, क्योंकि कॉलेज ऑफ आर्ट में शायद उस समय प्रिंट मेकिंग था नहीं? नहीं, कॉलेज ऑफ आर्ट में प्रिंट मेकिंग था, लेकिन हाँ, सिल्क स्क्रीन नहीं था। हाँ जी। तो जैसर ने क्या, उन्होंने, उनका भी इंटरेस्ट था जैसर का, तो उन्होंने जो है वो सिल्क स्क्रीन भी कराया और हमें फोटोग्राफी भी सिखाया। तो जैसर क्या करते थे कि हमें जो है फ्री छोड़ देते थे, आप जो मर्जी कीजिए, और कहीं पे कोई डिफ़िकल्टी है तो मुझे बताइए। तो हमें मीडियम में काम करने की पूरी आज़ादी थी। हमने फोटोग्राफी भी की, सिल्क स्क्रीन भी की। तो सिल्क स्क्रीन के अंदर जब मैंने पहला प्रिंट निकाला, तो जब उसका जो मैंने इम्प्रेशन देखा, तो मुझे लगा ये तो एक जादू हो गया, मैजिक हो गया। फिर मैंने सोचा, मैंने क्या इसी के अंदर मेरे को ज़्यादा काम करना है। और मैंने कॉलेज फार्ट के अंदर ही थर्ड ईयर में और तीन चार सिल्क स्क्रीन करी, और मुझे बहुत अच्छा लगा उसमें काम करने से जी। और बाकी फोटोग्राफी का भी हमें काफ़ी अनुभव हुआ। उसके बाद फोटोग्राफिक प्रोसेस से मैंने काफ़ी सिल्क स्क्रीन किए, उसके बाद ये सिलसिला जो है सिल्क स्क्रीन का चलता रहा। और फिर आपका पहले बड़ा शो जो हुआ था, और आपने कुछ थीम्स को फॉलो किया, जैसे पुरुष प्रकृति और नेचर के बारे में करना, और मैनकाइंड के बारे में करना, और पुरुष और स्त्री का जो रिलेशनशिप है उसके बारे में करना, आप उसके बारे में थोड़ा बताएंगे जी? वो मेरी शुरू से ही प्रकृति ऐसी रही है कि मैं नेचर के ज़्यादा करीब समझता था अपने आप को,
और मैं चीज़ों को जैसे मैंने जैसर से सीखा कि उसको पहले चीज़ों को ऑब्जर्व करो, फिर ऑब्जर्व करके उसे ड्रा करो, जी, और फिर उसके वो चीज़ जो आपने ऑब्जर्व कर लिया तो वो चीज़ जो है आपके जहन में रहती है। तो मेरा प्रकृति शुरू से ही लगाव था, तो मैंने अपने जो एलिमेंट्स हैं वो नेचर से ज़्यादा लिए। तो शुरू शुरू के काम में अपने ह्यूमन फिगर है, ह्यूमन फेस है, ट्री है, ये जो है, और ऐसा भी सिल्क स्क्रीन मैंने किया है जिसमें कि उसका ह्यूमन नेचर और ह्यूमन का जो है नेचर के प्रति काफ़ी लगाव शो किया मैंने कई सिल्क स्क्रीन में जी। और हिंदू माइथोलॉजी में तो नेचर की पूजा की जाती वो है, तो है, तो वो इफेक्ट मेरे पे पड़ा और मैंने जो है वहाँ से सब्जेक्ट को लिया और मैंने सेल स्किन वहाँ पे किया उस विषय के ऊपर। हाँ मोती जी, तो आपने मुझे पहले भी बताया था कि आप एक लॉयर बनना चाह रहे थे और बीच में आप एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी करते थे कॉलेज में, तो आपने अपने ये वाला जो काम है, जो ऑफिशियल काम जो था कॉलेज में और अपना क्रिएटिव टाइम, ये दोनों को कैसे आपने बैलेंस किया? क्योंकि बाकी लोग जो थे शायद वो टीचर थे या फिर कॉलेज में काम करते थे, उनका वो ब्रेक नहीं था, लेकिन आप में थोड़ा अलग अलग, तो वो आपने कैसे बैलेंस किया? एक्चुअली क्या है कि मैं जब कॉलेज ऑफ आर्ट्स से 79 में पास आउट हुआ तो मैंने एक दो तीन इंटरव्यू दिए और ओपन स्कूल में मेरा सिलेक्शन हो गया और उसके बाद बेसिकली मैं वहाँ पे डिजाइनिंग का काम करता था, लेकिन आफ्टर मैन सो मैनी इयर्स मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें प्रमोट करके डाल दिया। तो ये मेरे लिए काफ़ी दुखदाई था कि एक तरफ ऑफिस में मैं एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहा हूँ और फिर शाम को मैं कला जगत के अंदर अपना पैठ बना रहा हूँ। हाँ जी, तो शुरू शुरू में तो मुझे लगा, लेकिन मैं उसका अब आदी हो गया कि मुझे वो भी काम करना है और ये भी काम करना है। और लेकिन कुछ टाइम के बाद ऐसा लगा कि जितना काम मुझे कला क्षेत्र को देना चाहिए थे मैं नहीं दे पा रहा था, तो इस वजह से मेरा एक बीच में एक ब्रेक भी रहा जिसमें मेरी पोस्टिंग जो है बाहर दिल्ली से बाहर होती रही। अच्छा। तो मैं उसमें काम नहीं कर पाया, लेकिन 2012 के बाद जो है मैंने दोबारा से काम 2000 और 2012 इसके बीच काम नहीं हुआ, उसके बाद मैंने फिर सीरियसली काम किया आफ्टर रिटायरमेंट। हाँ, फिर आपको हाथ पे काम करने का टाइम एकदम मिला, काम मुझे मिले, नहीं तो आधा आधा करना पड़ता था। हाँ, और ऐसा कभी एडमिनिस्ट्रेटिव काम जो आप करते थे वो आपको इंस्पायर करता था काम के लिए या नहीं? देखिए, इंस्पायर वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम अपनी जगह है। अच्छा। लेकिन मेरे अंदर जो बीज था वो तो एक कलाकार का था जी, तो वो मेरे लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम वो एक सेकेंडरी काम हो गया, वो मुझे करना ही था। हाँ। लेकिन ये इसमें मुझे इंटरेस्ट था तो मुझे करना ही है, तो मैंने इस काम को ज़्यादा किया। और मैंने क्या घर में भी जो एक स्टूडियो बनाया और मैं सुबह सुबह काम सिल्क स्क्रीन किया, सिल्क स्क्रीन बनाई और फिर शाम को आके फिर उसको प्रिंट किया, तो ऐसे बहुत लाइफ जो है ना बिजी चलती रही, लेकिन वो क्या है कि लिंक टूटा नहीं मेरा। टूटा नहीं, अच्छा, बहुत बढ़िया। एक और बात पूछनी थी मुझे, वो दूसरे मीडियम्स जैसे प्रिंट मेकिंग में इंटाग्लो प्रिंट्स या फिर वुड कट, लिनो कट, इनमें आपकी दिलचस्पी इतना नहीं था जितना प्रिंट सिल्क स्क्रीन में था, तो ये जो है वो कैसे हुआ, आपने इसको कैसे प्रेफर किया और क्यों? जब मैं कॉलेज ऑफ आर्ट में था तो हमने एचिंग की है काफ़ी, फोटोग्राफी प्रोसेस भी किए, वैसे भी किए, और उसके बाद जब मैंने सिल्क स्क्रीन करना शुरू किया
तो उसके जो सिल्क स्किन के जो कलर्स है वो मुझे बड़े अट्रैक्टिव लगे। और उसकी जो प्रिंट की जो प्रिंट होके जब सिल्क स्किन आप देखेंगे तो इतना फ्रेश लगते हैं कि ऐसा लगता है कि ये साई नेचर सिल्क स्किन में ही आ गई है। तो मुझे सो दैट्स व्हाई आपको सिल्क स्किन ज्यादा पसंद। जो सिल्क स्किन में जो कलर मैं अप्लाई करता था वो मुझे जो है बहुत इंस्पायर करते थे इस मीडियम के लिए। और थोड़ा अपने शोज के बारे में बताएंगे, आपने कहाँ कहाँ दिखाया है, भार्गव में भी दिखाया है। सिल्क स्किन जो है मैंने कॉलेज में किया, कॉलेज से करने के बाद मैंने गड़ी ज्वाइन किया। गड़ी ज्वाइन करने के बाद मुझे एक फेलोशिप मिली मिनिस्ट्री से गड़ी में काम करने का जी। तो उसमें मुझे काफ़ी काम करने का मौका मिला। हाँ जी। और गड़ी में मैंने बहुत काम किया। जो मैंने गड़ी में काम किया उसका एक शो मैंने गैली स्पेस में किया और वो शो बहुत अच्छा लगा मुझे। उसके अंदर जो काम था वहाँ से मेरे जो जो परफेक्शन है सिल्क स्किन के अंदर ब्लेंडिंग टोन्स निकालना ये इसके अंदर मेरे रुझान ज़्यादा रहे और ये इस रुझान से जो आउटपुट निकला वो जो है लोगों को बहुत अच्छा लगा कि आपके सिल्क स्किन में जो ये चीज़। कौन से साल में था जो आपने किया ये शो, आपको कुछ याद है? ये 90 में मैंने किया है। हाँ, गैलिस बेस्ट में 90 के बाद तो फिर मैं जो है इसमें काम करता गया और फिर मैंने घर के अंदर ये अपना स्टूडियो बना लिया और स्टूडियो बनाया और उसको लार्ज स्केल पे मैंने काम करना शुरू किया। बड़े बड़े प्रिंट भी बनाए हैं लेकिन जो मुझे बहुत ही बढ़िया चीज़ मुझे क्या दूसरों को जो अच्छी लगती है कि आपके काम में जो है जो ब्लेंडिंग है कलर की जो टोन्स निकालते हो वो बहुत गजब की है। मुझे भी अच्छी लगती है। तो वो आप उसके बारे में थोड़ा बताएंगे, वो टोन्स कैसे निकलते हैं, आप कैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं आप? ये क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट्स ने पूछा और क्या, और हाँ। बाकी कई लोगों ने पूछा कि आप ये टोन्स निकालते क्यों है कि आप बाकी आर्टिस्ट लोग तो ऐसा नहीं करते। हाँ। तो मैंने कहा कि इसमें ना थोड़ी पेशेंस की ज़रूरत है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और आपके जो टोन्स आप क्रिएट करना चाहते हैं उसको आप मिक्स करके ब्लेंड करके दो कलर को आप उसको मिक्स करते रहिए। एक स्टेज ऐसे आएगी कि वो जो है ऐसा ब्लेंडिंग आएगी आपकी तो वो कौन सा कलर कहाँ ख़त्म हो रहा है वो उसमें पता ही नहीं चलेगा। हाँ हाँ। लेकिन मुझे एक बात पूछनी थी क्या, क्योंकि अपना वो जो प्रिंट्स होते हैं उसके एडिशंस होते हैं, तो आपने जो ब्लेंडिंग किया है आप कैसे इंश्योर करते हैं कि हर प्रिंट में वही आएगा, अलग अलग नहीं होगा, तो ये कैसे करते हैं?
वही मैंने बताया कि हमारे अंदर जो है ना, सभी जो स्टूडेंट्स भी है, बाकी भी लोग हैं, उन्होंने फ्लैट कलर से हाँ, ज़्यादा, क्योंकि वो इजी रहता है। हाँ, वो इजी रहता है। तो इसमें जो है, मैंने जब मैं ब्लेंडिंग करता हूँ तो स्पेशली मैं उस एडिशन को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, क्योंकि इसमें ना कभी वेस्टेज भी ज़्यादा होती है। तो उसमें उसको ध्यान में रखते हुए वेस्टेज को, तो जैसे मैंने 15 का एडिशन लगाया है, तो मैं 25 एडिशन कर लेते हो कर लेते हैं। जी। तो उसमें जो है मोस्टली आपको जो है, मुझे जो है 15-20 जो है मेरे को एकदम डिटो ब्लेंडिंग के डिटो ब्लेंड, ओके, लवली मिलते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी।